वेलकम बैक टू माई चैनल द डिवाइन पावर 111। तो सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में। तो निकाल लीजिए उनकी पिक्चर को, देखिए बहुत प्यार से, ध्यान कीजिए उनकी आंखों में, देखिए और पॉजिटिव होकर उनको देखना है, घूरना नहीं है, बहुत प्यार से उनको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूछते हैं यूनिवर्स से कि यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूअर्स किस भी पर्सन की पिक्चर को बहुत प्यार से देख रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ। तो बताइए यूनिवर्स उनके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स कैसी थी, क्या महसूस कर रहे थे कल रात को वो मेरे व्यूअर्स को लेकर, इस रिलेशन को लेकर क्या सोच रहे थे। तो चले मैं कार्ड्स निकालती हूँ तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। तो ये स्पिरिट्स डिवाइन मैसेज दीजिएगा और मेरे व्यूवर्स को बताइएगा कि उनके पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे थे। ओके ये अकड़ कब जाएगी इनकी, वील ऑफ फॉर्चून। सोच तो काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, ब्लॉकेजेस हटाने के बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं। ओल्ड जोडियक साइन रहेंगे जी इसमें। ओके एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वो आने वाले हैं इसलिए। चले चेक करते हैं ये क्या हो गया, लड़ाइयाँ क्यों हो गई। हाँ ये बड़े काम खराब हैं इनके। आपको ना याद बहुत करते हैं, ठीक है, याद करते हैं, इस रिलेशन पे काम भी करना चाहते हैं। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ सोर्ड एंड यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ड। तो आप दोनों यहाँ पे हो एक डिवाइन कपल, तो जो आपके डीएम है ना उनमें बहुत है अक्कड़। अरे ये तो राइमिंग ही बन गई। वाह वाह लिख दीजिएगा। ओके तो ओके ये क्या, ओल्ड जोडियक साइन रहेंगे जी इसमें, ठीक है। ओके ऐसे था सॉरी गाइस आपको वेट करनी पड़ी। तो चले बात करते हैं। तो कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप हो इनका लकी चार्म। मैंने ना वीडियो डाल रही हूँ ट्विन फ्लेम के ऊपर, उसको अच्छे से सुनो, उसमें मैं साइंस भी बता रही हूँ कि ऐसा होता है वैसा होता है। तो चेक कर लो कि क्या आपके पार्टनर में या आप में ये वाले साइन है, ठीक है। ये ना हो कि आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो और उसकी वेट में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप अच्छे से उन वीडियोज़ को देखो, समझो, सुनो और फिर डिसीजन लो कि यस मेरे पार्टनर में ये है या ये नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डिसीजन इस तरह से जल्दी में नहीं लेना है। तो चलें बात करते हैं। तो जो आपके डीएफ हैं, ठीक, सॉरी, जो आपके डीएम हैं अभी इस समय बहुत अकड़ के बैठे हुए हैं, बहुत ही रौबदार पर्सनालिटी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड लेके बैठे हुए हैं कि सबको काट डालूंगा, मार डालूंगा, क्योंकि इनको बहुत गुस्सा आया हुआ है। वो किस बात पर है कि आप इनको दिखाई नहीं दे रहे हो, बहुत चिड़ मची हुई है, आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मे बी आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, रात भर सो नहीं पाते हैं। जब से आप इनकी लाइफ से गए हो तो इनकी लाइफ में बहुत सारा क्लेश मचा हुआ है, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, चाहे काम का इशू हो, चाहे घर का इशू हो, चाहे फैमिली का इशू हो। तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है कि इनका हेल्थ इशू भी क्रिएट हुआ है, क्योंकि पहले जैसी केयर नहीं इनको मिल रही है, वही इनका ध्यान रही नहीं रख रहा है। तो आपकी केयर को, आपके प्यार को आपके पार्टनर बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड होता है ना, वो ऑल ओवर एनर्जी होती है। तो दिल और दिमाग में आप ही छाए हुए हो। यहाँ पे आप भी स्वॉर्ड लेके बैठे हो कि आप भाई सामने तू जरा, तो तेरे को तो मैं काट ही दूं, मेरा दिमाग खराब करके रखा है। आप भी काफी गुस्से में नजर आ रहे हो। आप ये पत्थर का एक
सिंहासन है, आप भी उस पर बैठे हुए हो, आपको भी बहुत गुस्सा आया हुआ है कि ये आता क्यों नहीं है, आपका हाथ भी ऐसे है कि ये आता क्यों नहीं है, ये कहाँ चला गया है, ये कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है, और आपके पार्टनर अपने आप को बचाव के कारण सोड उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है, कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप इनसे नाराज़ हो, इनसे गुस्सा हो, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि अगर मैं जाऊँगा तो कुछ झगड़ा तो नहीं हो जाएगा, वो मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगी, वो आगे तो नहीं चली जाएगी, वो मुझे छोड़ तो नहीं देगी, छोड़ तो नहीं देगा। थीटा पर आपने गाइस ध्यान नहीं देना है। तो कल रात की एनर्जी मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्रेव तो कर रहे थे, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशन के साथ आपके साथ रहना चाहते हैं, बहुत परेशान हैं। यहाँ मुझे उनकी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो काम हो, फैमिली हो, घर हो, बाहर हो, हेल्थ हो, मतलब बहुत सारे इशू यहाँ पे क्रिएट हो रखे हैं। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 5 मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो कल रात आपके पार्टनर कुछ सोच तो रहे थे, मे बी नेक्स्ट एक्शन भी लेने के बारे में सोच रहे हैं कि चलो छोड़ो यार, मैं खुद ही अप्रोच कर लेता हूँ, यहाँ पे खुद ही ये इन्होंने पहले ब्लॉकेज लगाए थे, आपको हर तरफ से ब्लॉक करा था, लेकिन अब खुद ही ये ब्लॉकेजेस क्लियर करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अभी इन्होंने एक वैंड उठाई है, धीरे धीरे करके ये सब वैंड्स उठाएंगे और आपकी तरफ स्टेप लेंगे। यस, डेफिनेटली यहाँ पे भी नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यस, यहाँ पे भी इन्होंने वैंड हाथ में पकड़ी हुई है। तो यस, डेफिनेटली ये आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, एंड कल रात ये आपके आपको लेकर नेक्स्ट एक्शन के बारे में सोच रहे थे। तो नेक्स्ट एक्शन चेक करें एक बार, वीडियो मैंने लॉन्ग नहीं बनाई है। लो जी, नेक्स्ट एक्शन आ गया है, बहुत प्यार है आपके लिए। तो यूनिवर्स, नेक्स्ट एक्शन इनका क्या है, क्या ये मेरे व्यूवर्स को कॉल मैसेज करेंगे? एक कार्ड दे दीजिए। यस, डेफिनेटली ये आपको कॉल मैसेज करेंगे। पेज की एनर्जी आई है जो कि बताती है कि बचपने को, यस, ये आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपको सिंपली आपके ऊपर बहुत सारा एहसान करने वाले हैं कि देखो मैंने तुमको कॉल किया, मैंने तुमको मैसेज किया, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपको लेकर बहुत क्रेव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड आया है, पेज ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे फिश है जो अबंडेंस को बताती है, वाटर है जो इमोशंस को बताता है। तो यस, डेफिनेटली ये आपको अप्रोच करेंगे एंड आपको कॉल मैसेज इनका आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे यहाँ कार्ड मुझे दिखा था किंग ऑफ वैंड्स का, हाँ ये आप ना अंदर से ये हैं, ये आपको लेकर बहुत आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, पास्ट की बातों में सोच रहे हैं, एंड कि अब इनका जो इनकी लाइफ में जो अब उथल पुथल मची हुई ना, उस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं कि यार जब वो थी तो ऐसा तो कुछ नहीं था, जब वो मेरी लाइफ में था तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब ये चक्का रुक क्यों गया है, अब इस चक्के में इतने रोड़े क्यों आ गए हैं, ये चीज़ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे आपको ये इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी तरफ अप्रोच करने वाले हैं और बहुत सारा एहसान आप पर जताने वाले हैं कि देखो मैंने तुम्हें कॉल किया है, मैंने तुम्हें मैसेज किया है, ठीक है, इस चीज़ के लिए आप रेडी रहना। तो ये थी आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी एनर्जी के साथ, इनकी इंटेंशंस के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।